कांग्रेस के विधायक धनीराम चांडिल में सोलन को नगर निगम बनाने की इच्छा शक्ति नहीं थी, ये आरोप भाजपा नेता राजेश कश्यप ने कांग्रेस पर लगाए हैं। उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस प्रतिनिधियों ने केवल औपचारिकताएं निभाने के लिए ही नगर निगम बनाने का आग्रह किया, लेकिन वे नहीं चाहते थे कि सोलन नगर निगम बने। उन्होंने कहा कि लेकिन भाजपा जो वायदा करती है उसे वे पूरा भी करती है, और यही वजह है कि सोलन को नगर निगम बनाने की प्रक्रिया को आरंभ कर दिया गया है। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही सोलन को नगर निगम का तोहफा मिलेगा और सोलन का चहुंमुखी विकास होगा। अधिक जानकारी देते हुए राजेश कश्यप ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और सोलन के विधायक धनीराम चांडिल ने सोलन को नगर निगम बनाने के लिए कभी भी खास रुचि नहीं दिखाई, और यही कारण है कि वे इस मुद्दे को विधानसभा में कभी भी जोर शोर से नहीं उठा पाए, जिसके वजह से आज तक सोलनवासी नगर निगम की सुविधाओं से महरूम रहे। लेकिन भाजपा ने सोलन शहरवासियों को नगर निगम बनाने का वायदा किया था और अपने घोषणा पत्र में भी इसे शामिल किया था, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री और शहरी विकास मंत्री सुरेश कश्यप ने शहरवासियों की मांग को भी जायज माना है और इसे नगर निगम बनाने के लिए न केवल रुचि दिखाई बल्कि इसको लेकर प्रक्रिया को भी आरंभ कर दिया है, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जल्द ही शहरवासियों को नगर निगम का तोहफा मिलेगा। नगर निगम सोलन की जहां तक बात है, नगर निगम सोलन बनेगा और इसके लिए भारतीय